जी तो मस्जिद में ऐलान हो रहा है ईद की नमाज हो गई है, मस्जिद में ऐलान हो रहा है जिन्हें जुतियां चुकियां है ना वो बंदा दोज कीजिए, जुतियां वापस करके जाओ जी। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है ईद की पाकिस्तान में, और शुरुआत में मैंने आपको दिखा दी है, अभी तो मैंने वैसे नहाया भी नहीं, हुलिया भी नहीं चेंज किया है। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखा दिया दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ज़िंदगी का अख्ताम जहाँ पर होता है, आपको पता है तमाम मुसलमान आप में से बहुत से भाई परदेसी, तो सारी बात है परदेश में रहते हैं, तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम भाई कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं। मैं अभी कॉटन का सूट था मेरा जो मैंने प्रेस करवाया हुआ है जी के ईद के लिए पहनते हैं, अभी बाहर का आपको वैदर दिखा देता हूँ। मैं यकीन कीजिए वैदर देख के आप खुद समझ जाएंगे कि मैं तो घरद्या कहता बस ही उनके काटन का सूट रख लो, तो गर्म सूट कटो जिस तरह का मौसम बड़ा होगा जी। अच्छा वैसे मैं आपको ना गुलाब दिखा दूँ कैसा, एक तो ये देख लें आप, इसको छोड़ें यार चीज़ है गुलाब, इंटरेस्टिंग लगा है मुझे ये जो निकले हुए, इसका कलर देख लें इस तरफ, वेदर मैं आपको वेदर दिखाता हूँ थोड़ा, आप देखें कैसा गोश्त चल रहा है, गोश्त पाकिस्तानी जी। अच्छा मैं जी तो अभी नहा ली है और ड्रेसिंग तो मैंने कर ली। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यकीन कीजिए मेरे गीज़र लगा हुआ है, तो मैं 3-4 दिन पहले ना गीज़र के सेल निकालने वाला था, वो जो गैस वाला गीज़र होता है वो, मैंने बोला कि इसका सेल निकाल देता हूँ मैं, और अभी ज़रूरत तो है नहीं, तो ठंडे पानी से ही नहाने से बेहतर महसूस होता है। तो यकीन कीजिए आज वेदर ऐसा था तो गीज़र के सेल नहीं मैंने निकाले थे आज का, वरना वो सेल दोबारा से ढूंढ कर डालने पड़ते। इस गीज़र ऑन था, गर्म पानी निकाला है, ठंडा पानी मिक्स किया और मिक्स पानी से नहाए हैं भी, इतना अच्छा मौसम। और मैं बोलता हूँ अभी ये आपको पता है अप्रैल का एंड हो रहा है, तो अप्रैल के एंड में भी ऐसा मौसम है जैसे कि आप 11th मंथ यानी कि 11वें मंथ में या दूसरे मंथ में था जी। तो जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ मैं, और अपने यार पिंडा के गलिया बाजार इस तरह के नहीं होंगे, परदेसी थोड़ा मैनू गाइड करे अजे इस तरह। अच्छा हूँ है वैसे ना, चलो कुछ गल पंजाबी भी नाल, अभी ये बन गए आप बोल रहे अंडर पास अंडरग्राउंड बोल रहे ये पानी की निकासी का, और बाकी ये नहर है जी हमारे गांव के दरमियान से गुजरती है, देख लें मस्जिद आ गए है, चलते हैं फिर जी। तो ईद नमाज़ तो पड़ी जा चुकी है, और इस भाई साहब की तरफ देख लें आप, ईद नमाज़ पड़ी हो ना, ईद नमाज़ पढ़ी हो नहीं, सानू खान तो सवा सुरती को नहीं, असी ईद नमाज़ की पढ़नी।